श्रीलंका। प्रकृति माँ के सबसे प्यारे संतान, सबसे प्यारे बच्चे चलो ये अपने आप को समझता है। इसके साथ साथ विशेष करके आचूले नया साल के उत्सव में हो, चाहे हमारे वार्षिक उत्सव में हो, चाहे कोई भी पूजा पाठ हो, तो हम आचूले को उच्चारण हम जोर से करते हैं, उच्चारण करते हैं। आचूले के अर्थ ये है आ सबसे अच्छा चू मतलब उस हिमाल को हमारे सदा सर्वदा हम नमस्कार करते हैं, दंडवत करता है, जय जयकार करते हैं। तो वो हिमाल जो है आज माउंट कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है, मगर माउंट कंचनजंगा हम नहीं कहते हैं उसको, किंगचुम जोंगबू चू अर्थात भाग्यमान माथे की तरफ, भाग्यमान ललाट के तरफ, भाग्यमान फोरहेड की तरफ जब खड़ी जो माउंट कंचनजंगा है उसको हम सबसे भाग्यवान जो हिमालय पर्वत हम मानते हैं। लेप्चा के मीत के अनुसार ये कहते हैं कि लेप्चा के सर्वप्रथम इद्बु देवुरु हमारे सृष्टिकर्ता द्वारा इसी कंचनजंगा शिखर का पवित्र श्वेत हिम से हमारे लेप्चा के पूर्वज फुडोंग थिंग अर्थात एक पुरुष, नजोंग अर्थात स्त्री, ये दोनों को हिम से स्नो से बना के दोनों को बना के इस मये ल्यांग ल्यांग में छोड़ा था। सबसे अच्छा, सबसे पवित्र, सबसे सुंदर, सबसे भाग्यवान हिमालय, उस निधार जैसे हिमालय को हम जय जयकार नमस्कार वंदना हम करते हैं, तो इसी को हम आचूले करते हैं। कहते हैं कि लेप्चा लोग मंगोलियन से आए हैं, इनका भाषा टिबेटो बर्मीज है ऐसा बोल के कहते हैं बहुत, मगर विशेष लेप्चा लोग इस चीज़ को विश्वास नहीं करते। यहाँ के हर चीज़, यहाँ के हर पर्वतों के नाम, यहाँ के पेड़ पौधे के नाम, यहाँ के पहाड़ के नाम, यहाँ के नदियों के नाम, यहाँ के पत्थर के नाम, यहाँ के मिट्टी के नाम, हर चीज़ में लेप्चा अपना नाम है उसमें। कंचनजंगा को हम लेप्चा लोग किंगचुम जंगबू कहता है, दार्जुल्यांग आज दार्जिलिंग बोलता है लेप्चा लोग, दार्जुल्यांग बोलता है, दार्जुल्यांग का अर्थ हो जाता है देवी देवता को वास स्थान, जो देवी देवता में रहने वाले जगह को दार्जुल्यांग बोलता है, इसी दार्जुल्यांग को दार्जिलिंग बोलता है। वैसे कालिंपोंग लेप्चा लोग अब कालेबुंग बोल रहा, अभी कालेबुंग नहीं हम लेप्चा बोलता, कालिंपोंग का लेनपोंग का अर्थ हो का बने हम लोग, लेन बने गैदर होने जगह, हिल टॉप, जो लेप्चा लोग एक ठाव में गैदर होने जगह को हम कालिंपोंग बोलते हैं। वैसे करके खरसांग बोलता है आज, मगर खरसांग को लेप्चा लोग कुशांग बोलता है, कुशांग मतलब एक सुनखरी फूल है, जंगल का फूल जो है वो फूल होने वाला जगह है उसका हम सुनखरी। ऐसा करके हमारे यहाँ का जो कोई थीस था, टिस्टा जो नदी बोलते हैं हम लेप्चा में, थीस था बोलता रंगयू रंगईत रंगईत रंगयू, आज का रिली रुबोंग, जितना भी यहाँ के आर से जितने भी नदियाँ हैं उस आर से शुरू हो जाता है, जितना भी यहाँ के कालिम्पोंग में लेप्चा लोग के यहाँ मिलने वाला अनाज है वो क से स्टार्ट होता है, यहाँ के जितना भी पेड़ पौधे हैं उसको स से, स शब्द से शुरू हो जाता है, तो इसलिए यहाँ के हर चीज़ हमारे, हर प्रूफ हमारे यहाँ है, यहाँ के पेड़ पौधे का लेके हर चीज़, कीड़े मकोड़े के लिए, पशु पंछी, हर चीज़ में हमारे लेप्चा का अपना नाम है, अपना शब्द है, अपना अर्थ है। मायलैंग के अंदर हम लोग पॉपुलेशन में अवश्य हम कम होंगे, मगर हमारे अपना लिपि है, अपना भाषा है,
अपना संस्कार है, अपना संस्कृति है, हमारे हर चीज़ हमारे अपना है, हमारा अपना घर है, मकान है, जिसे दो के मूली बोलता है। दो के मूली, दो के मूली, दो मीन्स हम अपने आप को सुरक्षित और आनंद लायक रह सकने वाला मकान हम दो के मूली बोलता है। दो के मूली अथवा कादेनली, ये दो नाम है, दोनों नाम हम यूज़ करते हैं। कादेनली मीन्स का माने हम लोग, देन माने कि इज्जत के घर, हमारे इज्जत के घर ये होता है। दो के मूली का अर्थ होता है दो माने हम लोग, के मतलब पीसफुली, ली मतलब घर, हम लोग पीसफुली रह सकता है, रहने वाले ये घर है। ये हम माउंट कंचनजंगा के हम गोद में हम लोग लेप्चा गांव ये है। तो हम लोग, हमारे लेप्चा लोग इस पहाड़ी क्षेत्र के, इस हिमालय के गोद में बार बार भूकंप आता है, ये पहले से हमारे पूर्वजों ने ये जानते थे। इसीलिए पूर्वजों ने हमारे ये दो केमुली जो कादेनली ये बना है, ये इसमें दो चार इसका विशेषता ये है। पहले तो ये एंटी अर्थक्वेक है, जो भूकंप आता है वो भूकंप पे किसी भी आस कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है, भूकंप आने से कोई भी मकान टूट जाता है, मगर ये लेपचा घर कैसे भी भूकंप आने से भी ये लेपचा घर टूटेगा नहीं, क्योंकि ये घर एक दूसरा जुड़ा हुआ है, माचिस के डब्बे के जैसे होता है। और ये मकान के जो नीचे जो ये खम्भे हैं, खम्भे बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर होता है, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो हिलता है, तो घर के साथ पूरा उसके साथ साथ ही घूमता है, मगर घर गिरता नहीं। और दूसरा, ये घास फूस के साथ होने के नाते ये जो अंदर हमने जितना भी हम आग, जैसे भी आग जलाने के बावजूद उसके धुएँ घर के अंदर नहीं रहते, ये छत के ऊपर से बाहर निकल जाता है। तीसरा, ये जो है इस जो घर के जो बाहर दीवार के लिपाई होता है, और लिपाई में मट्टी गोबर और घास फूस काट के डालते हैं, इसलिए अंदर की जो कंडीशन जो है गर्मी में ठंडा का महसूस होता है, और ठंडे के मौसम में अंदर गर्मी का महसूस होता है। ये एसी एयर कंडीशन भी ऐसा होता है। धीरे धीरे इस मैलांग को पॉलिटिकली ज्योग्राफिकली डिवाइड होकर अलग अलग हो गया है, तब भी जो जहाँ रह रहा है लेप्चा लोग, उन लोग अपने आप को लेप्चा बोलते हैं, उन लोग अपने आप को मुतनची रंग को बोलते हैं, उन लोग अपने आप को हम मैलांग के रहने वाले करके रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग अलग रहने के बाद भी हम लेप्चा लोग हम एक है, क्योंकि हम सभी को मानते हैं हम इस जगह का इंडिजिनस ट्राइबल है। सिक्किम के अंदर जो लेप्चा लोग अब ये रह रहा है उसको रेंजोंग मू बोलते हैं, वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग के अंदर रहने लेप्चा लोग, इसको हम लोग दमसंग मू बोलते हैं। दर्जिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रह रहा है उसको सुमुत मू बोलते हैं। नेपाल के अंदर भी है, इसको हम इलाम मू बोलता है। साउथ भूटान के अंदर अभी भी 45,000 से भी ज़्यादा शायद लेप्चा लोग वहाँ हैं, उन लोगों को हम प्रो मू बोलते हैं। वैसे संपूर्ण लेप्चा का कल्चर एक ही है, हमारी भाषा एक ही है, संगीत एक ही है। संगीत हमारे जीवन के हर चीज़ में, हर पहलू में, सांस्कृतिक काम हो, चाहे मरण हो, चाहे विवाह हो, चाहे शादी हो, चाहे पूजा हो, चाहे कोई भी हो, जीवन के जन्म से लेके मृत्यु तक जितना भी लेप्चा के कार्यक्रम होता है उसमें हमें संगीत जुड़ा होता है। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट हमारे लेडीज प्रीस्ट है, उसका नाम है निलिक निशांग। मन कैसे होता है, मन का जो एक आलाप होता है, ईश्वर को जो पूजने के पहले जो आलाप है, उस आलाप को उसने ढूंढने लगा, मैं किस आलाप में ईश्वर को मैं पूजा करूँ फर्स्ट। उस टाइम उसने एक फूलों के ऊपर एक भंवरा का आवाज़ को हम वो बोलते हैं, यही मैं मेरा आलाप बना के मैं ईश्वर को मैं पूजूंगा, ईश्वर को मैं मानूंगा, ईश्वर को पास में जाऊंगा, वही वो लेके उसने वो चांटिंग बना के, उस चांटिंग द्वारा उसने अपना ईश्वर को याद करने लगा। वो का मतलब वो मतलब संगीत। Ah!
खेती पाती करने के पहले हम ईश्वर को सृष्टि देव को हम पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम अपना खेती का काम करते हैं और खेती का काम करके इसमें जब हम खेती काम के खत्म करता है खत्म कर हो जाता है तो उस टाइम भी हमने एक बार फिर पूजा करता है। हमारे डांस लेपचा के जो डांस है ये डांस हम जंगली जानवर को कूदने का सिस्टम देख के जानवर बच्चे लोग जानवर का जब पैदा होने के बाद कैसे जंप करता है उसी अनुसार उन्हें का पैर कैसे चलता है वही देख के जैसे बांस के ऊपर एक खपड़ा होता है वो बांस के खपड़ा पत्ता गिरते वक्त किस हिसाब से वो गिरता है तो उस पत्ता कैसे गिरा उस पत्ते के हिसाब से हम चिड़िया का कैसे बोल है उस चिड़िया के बोल के अनुसार हम डांस होता है। लेपचा के जो लेडीज़ है महिलाएं जब पानी भरने के लिए खोले में जाते हैं तो उस पानी के साथ साथ वो बहुत सारे ऐसा काम करता है जो अपना गृहस्थी के लिए काम आता है जैसे पानी के साथ साथ मच्छी लेना मच्छी मारना लकड़ी ले लेना और जंगल के जो साग सब्जियां हैं वो बटोर के अपने परिवार के लिए शाम को लेकर लोगों के चले जाते हैं। इसी गीत इसी नृत्य के आधार में ये नृत्य पदम बुना आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जाते हैं।
आज के समय में हम जो कपड़ा पहन रखा है, आज के दिन कंपनी का बनी हुई हम लोग लगा था, मगर शुरू में स्टार्टिंग में हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अपना जंगली एक झाड़ है जिसको कुजू भी बोलता है, सुरोंग भी बोलता है, जो उसका पत्ता लगने से, हाथ में पत्ता लगने से जल जाता है। तो उसी सुरोंग अथवा उसी कुजू के जो बाहर के छिलका होता है, उसी छिलका को हम निकाल के उसी धागा से बनी हुई लेडीज़ का जो दमदम है, जेंट्स का दमपरा, ये हमारे अपना वेशभूषा है। आज संसार में कितना करोड़ करोड़ जनता की अपना लिपि नहीं है, उन लोगों का डायलॉग्स है मगर उन लोग लिपि नहीं। माई लैंग्वेज के अंदर हम लोग पॉपुलेशन में अवश्य हम कम होंगे मगर हमारे अपना लिपि है, अपना भाषा है, अपना संस्कार है, अपना संस्कृति है, हमारे हर चीज़ हमारे अपना है। तो हमारी भाषा इतना धनी और इतना पुराना कि लेप्चा भाषा हिब्रू लैंग्वेज से भी पुराना है बोल के बोला जाता है कि हमारे लेप्चा भाषा के हर चीज़ का हर मीनिंग है। हमारे लेप्चा भाषा इतना इतना अच्छा है, इतना इसका मीनिंगफुल है, इसको हर भाषा को संधि विच्छेद करो तो हर चीज़ का अलग अलग सा एक अर्थ निकलता है। सपोज एक चीज़ है हमारे लेप्चा में, एक उदाहरण लेप्चा में विवाह, इंग्लिश में मैरिज बोलता है, विवाह बोलता है, शादी बोलता है, लेप्चा लोग ब्री बोलता है, ब्री बोलता है। ब्री के अर्थ हो जाता है कोई भी दो चीज़ को एक चीज़ में लपेट लेना है, उसको ब्री बोलता है। दो लकड़ी को अथवा दो धागा को, दो चीज़ को हम एक साथ में मिलाने को ब्री बोलता है। तो इसी ब्री शब्द को हम लोग लेप्चा को हम शादी बोलते हैं। शादी में दो गांव, दो समाज, दो परिवार के एक लड़का एक लड़की को हम एक बंधन में बांधना है तो हम ब्री करते हैं। लेप्चा के शादी के पहले लड़के वाले की तरफ से अब हम लड़कियों के घर में जाते हैं अपना पूरा दंती के साथ, अपना पूरा बारात के साथ हम जाते हैं। तो जाने के पहले लड़के के घर में किस हिसाब से हमारे दस्तूर होता है? Yeah.
कोई भी चीज काम कोई भी करता है, चाहे नया मकान बनाते हो, चाहे शादी करते हो, चाहे मृत्यु हो जाता है, चाहे कोई भी काम हम नया काम शुरू करना है, हमको विदेश में जाना है, शुभ कार्य करना है, तो हम उस टाइम हमको चीफात करता है। चीफात का अर्थ होता है रजिस्ट्रेशन, मतलब लेपचा को कोई भी काम हम चीफात करके शुरू करता है तो दैट इज फाइनल। ची मतलब एक फर्मेंटेटेड बियर है जो अनाज से बनता है, विशेषकर मड़ुआ से बनता है, गेहूं से बनता है, मक्का से बनता है, चावल से बनता है, बांस में भरा हुआ फर्मेंटेटेड बियर जो घर की माँ बनाती है। ची को चीजू बोलता है, चीजो मतलब ची, मतलब ची हो गया, फर्मेंटेटेड बियर हो गया, जो मतलब खाने चीज वाला, ये खाने की चीजों मतलब होता है, ये फर्मेंटेटेड बियर है जो हम अपना नशे के लिए नहीं, डाइट के लिए खाता है। शाम को माँ ने भर के रख देता है, वो कल दूसरा दिन 4 बजे तक वो पीता है, क्योंकि उसमें पानी डालना है, टाइम लगता है, पानी डाल के खट से पीना नहीं उसको, उसके 1 घंटा 2 घंटा के बाद फिर भी के फिर टालना है। तो इस हिसाब से आज लगा हुआ चीज को हम कल तक खाते हैं, आप अपना शक्ति के लिए, अपना ताकत के लिए, और हमारे प्यूरिफिकेशन ऑफ यूरिन के लिए भी हम लोग लेपचा लोग बोलता है। आज 7 लीटर एक एडल्ट 7 लीटर पानी पीना बोलता है हमको, मगर ची को फर्मेंटेटेड बियर के ऊपर हम पानी डाल डाल के पीते 7 लीटर तक, हम 15 लीटर हम पानी पी लेते हैं। एक ची बनाने के लिए, एक ची को प्रिपरेशन करने, एक माँ को नहाना पड़ता है, एकदम घर के अंदर सुनसान होना है, कोई आना नहीं है। वो ची हमारे बहुत पवित्र चीज है, ये हमको हर पूजा में यूज होता है, हर अच्छा काम में होता है। उसी फर्मेंटेटेड बियर के साथ में हमके छिड़क के ईश्वर को हम इद्बु देवुर, हम प्रकृति माँ को पूजा करता है, वो हमारे फाइनल हो जाता है, वो हमारे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये टोपी है, टोपी बहुत किस्म का है, कैन बांस, और इसके अंदर जो है जंगल की पत्ता के ऊपर ये बनी हुई ये समोक है। ये समोक हमारे विशेष करके हमारे पूजा पाठ में, विवाह के टाइम में, बड़े बड़े समारोह के टाइम हम ये पहनते हैं। ये पहनने से कोई गर्म नहीं होगा, कोई ठंडा नहीं होगा, ठंडा के मौसम में ये लगाने से अंदर का पत्ती के कारण हमको गर्म रहता है, गर्म के मौसम ये पत्ती के कारण हमको ठंडा रहता है। टोपी के ऊपर एक चिड़िया का पंख होता है, किसी भी चिड़िया का भी होता है, मगर विशेषकर नम्बोंग तक्षिम बोलते हैं, अर्थात चिड़िया के राजा को हम नम्बोंग बोलते हैं, नम्बोंग चिड़िया। इसका अर्थ क्या हो जाता है, क्योंकि ये है साइन ऑफ इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस लैंड बोलते हैं, हमें दिखाता है। थ्याक्तुक हो, थ्याक मतलब सर, तुक मतलब उसको ढकना, दोनों को मिलाकर थ्याक्तुक, थ्याक्तुक अर्थ है टोपी, कपड़ा सी बनी हुई है, बीच में काला होता है, ऊपर एक फूल बना हुआ है, एक थ्याक्तुक होता है, एक पापरी बोलता है, वो इसी टाइप का होता है, मगर इतना स्मूथ नहीं होता, इतना फाइन नहीं होता, और थोड़ा रफ टाइप का होता है। वो विशेष करके गांव में खेती करते वक्त वो पहनता है, गर्म से ठंडा से दूर होने के लिए पापरी, पानी से बारिश के टाइम से जुगाड़ करने के लिए पापरी पहनते हैं। हमारे यहाँ कोई किस्म के ये बहुत बड़े ये भी नहीं, संगीतव्य नहीं, मगर हम अपने नेचर ने जो दिखाया हुआ चीज है उसको हम मानते हैं। नेचर ने दिया हुआ समय को हम लेके, हम ध्यान लगाता है, मक्की लगाता है, मड़ुआ लगाता है, अनाज लगाता है, फल फूल लगाता है, इसलिए हम नेचर बेस, हम नेचर के मानते हैं। तो इस नेचर की पुजारी हम लोग लेपचा लोग अपने आप को मूर्तनशील रंग। साही नृत्य अथवा इंग्लिश में बोलना है तो पर को पाइन डांस,
कंदमूल वगैरह है, ये कंदमूल विशेषकर कंदमूल ढूंढ पी के उनके कंदमूल में हम जाते ज़्यादा हम पसंद करते हैं, उसी हिसाब से ये शाही लोग भी कंदमूल ही ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई खेती पाती लगाते हैं, खेती पाती लगाने के बाद फिर शाही आके उस खेती पाती के लगाया हुआ जो कंदमूल के बीज वगैरह वो खा जाते हैं। माँ ने बोलता बेटा को देखो शाही आता तो तुम इस हिसाब से भगाना। बेटा ने वही बात मानते हुए जब शाही फिर दोबारा आ जाता है, बेटा ने उसको शाही को भगाते हैं, उसको मार के बेटा होके अपने घर में ले जाता है। लोकगीत का बोल है जोजंग, अर्थात सब लोग अपने कल्टीवेशन करता है, धान लगाता है, धान उठाता है और वही धान को हम कूटते हैं। हमारे नामसुंग नाम आल नाम बंद, अर्थात हमारे जो न्यू ईयर है, हमारे वार्षिक हमारी चाड़ है, वो नज़दीक आ गया है। बिल्कुल घर के माँ बेटियों के जल्दीबाजी है, युवक युवती मिल के अपना धान कूटते हैं। Thank you.
अभी नया साल हमारे आने वाला है, कल से शुरू हो जाएगा हमारे नया साल। घर के देवता को हम पूजा करते हैं, भगवान को हम वही चढ़ावा हम देते हैं, गृह देव कि हमको क्षमा करे, हम गलती से हमारे कोई ऐसा पूजन में गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा। अब हम नया साल के लिए आपको हम मन्नत मांगते हैं और हम अच्छे हो, नया साल हमारे खुशमय हो, शांतिमय हो, उन्नतमय हो। घर के पिताजी अपने परिवार के माथे में एक फूल का जो टीका जो लगाता है, जिसको हम लेप्चा में पोगरीप बोलते हैं, पवित्र फूल है जो पोगरीप है, वो जो है उससे उसको नया साल को शुभकामना देते हुए उसको आशीर्वाद के साथ वो फूल उनके माथे में चिपका देते हैं। लेप्चाओं के एक नया साल आ गया है, इस नया साल के उपलक्ष्य गाते फिरते घूमते इन सभी का हम शुभकामना है। खुद किस्मती रहो, उन्नति के मार्ग में चलो, यही संदेश देते हुए उन लोग ने गीत गाते हुए घर घर में ये संदेश बांटते जाते हैं। Bye.
इसको लेप्चा में बोलते हैं नामरुतेक, नाम आरुतेक। इसका मतलब पुराने साल को हम अपने जगह में रख देता है, नया साल को हम अपना लेते हैं। तो ये शाम के समय मेल पृष्ठ जो पुरुष जो हमारे पुजारी होता है उस द्वारा हम पूरा परिवार के झाड़ लेते हैं, उसके जितना भी शरीर में दुख कष्ट पुराने के साथ के चले जाइए बोल के झाड़ फूक करके देता है। तो एक लेडी प्रिस्ट एंड जेंट्स प्रिस्ट होता है। लेडी प्रिस्ट को हम लोग मन बोला जाता है और जेंट्स प्रिस्ट है उसको हम बोंगथिंग बोला जाता है। बोंगथिंग जो है सांसारिक काम जितना भी है वो बोंगथिंग द्वारा किया जाता है, और जितना मरण परण है जितना भी मरने के बाद के काम जितना भी है कास क्रिया है वो विशेष करके मन ने करता है। लेप्चा लोग हम मरने के बाद हमारे शरीर को फिर हम प्रकृति के गोद में हम दे देते हैं, उसको हम लजु तेक बोलते हैं। लजु तेक, लजु मतलब मृत्यु शरीर, तेक मतलब उसी जगह में रखना है। तेक का अर्थ हो जाता है जो चीज जिसका ओरिजिनल प्लेस जहाँ है, जिस ओरिजिनल प्लेस जहाँ है वहीं रखने को हम लेप्चा में तेक बोलते हैं। लेप्चा लोग बोलते हैं हम मरने के बाद हम कहीं हमारे स्वर्ग नहीं है, हमारे नरक नहीं है। बहुत सारे लोग आज का दिन कोई बुद्धिस्ट हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई अनेक धर्म में निकल गया, मगर ये अपने अपने धर्म के अपने अपने विश्वास है। मगर लेप्चा लोग धर्म से ज़्यादा अपना हम प्रकृति माँ के मानते हैं। हम प्रकृति से आए हुए, हम प्रकृति का हम वापस जाना है। हमें इस मायेल्यांग में हमारे पूर्वजों ने भेजा है। हम मरने के बाद हमारे आत्मा फिर से हमारे पुंजू अर्थात पूर्वजों के बस स्थान को हम पुंजू बोलते हैं। तो उसी पुंजू में पूर्वज जहाँ गया उसी पूर्वज को गोद में जाना है। ये मृत्यु शरीर को हम मट्टी में हम दफना सकता है, और इसको यदि हमको अग्नि में देना है तो अग्नि में हम दे सकता है। किसी किसी को बच्चे छोटे छोटे बच्चे को बड़े बड़े पेड़ों में भी बांध के रख देता है, सड़ जाता है ऊपर ही। कई किसी किसी को बड़े बड़े पत्थरों के गुफाओं के अंदर भी रख देता है, किसी किसी को पानी के अंदर भी ले जाता है। तो इसमें प्रकृति को जहाँ आया है वही प्रकृति को हमको छोड़ना है। मरने के बाद हमारे कास क्रिया जो होता है 14 दिन में भी हो जाता है, 7 दिन में भी हो जाता है, 21 दिन में भी हो सकता है, 49 दिन में भी हो सकता है। तो इसमें उस कार्यक्रम में सिर्फ मन अर्थात लेडी प्रिस्ट जो है उसी का विशेष रोल हो जाए, आत्मा को पकड़ के फिर हमारे पुंजों में जहाँ पूर्वजों को उसके गोद में फिर वापस ले जाने का काम हमारे मन द्वारा किया जाता है। एक जब तक जेंट्स मिलता है तो उसको 8 सुम मतलब एक हंस होता है, 8 प्राण उसको होता है। एक लेडीज मरता है उसका 9 प्राण होता है। जब एक लेडी प्रिस्ट पकड़ लेता है उसको, पकड़ने के बाद उसका आत्मा उसके शरीर में आता है, उस सुम को पकड़ के रख के रात के 12 बजे मन द्वारा उसको पिल्दौन मन तिसे किंतो राग तिसे किंतो ट्यून के आधार में उस मन को पुंजू में जाके रात के रात 12 बजे अपने पूर्वजों के गोद में उस प्राण को हम डाल देते हैं। हमारे कोई धर्म नहीं, हम बुद्धिस्ट भी नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, मगर हम है प्रकृति के पुजारी। हम ईश्वर को प्रकृति के रूप में लेकर मानते हैं। माउंट को हम ईश्वर के रूप में देते हैं, बड़े बड़े नदियों को हम ईश्वर के रूप में देते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को हम देते हैं, उसको हम ईश्वर के नाम लेकर हम पूजते हैं। हम नेचर वर्शिपर। ये इस जगह के हम यंगरी बोलते हैं, इस पूजा को हम लंगरमपन बोलते हैं। जो देवी देवता यहाँ के पहाड़ में बैठे हुए, यहाँ के खोले नदी नाला में है, बड़े बड़े पेड़ों में है, ये लेप्चा लोग ये अप्रैल महीना के अंदर हम पूजा करते हैं, जिसको हम सांसारिक पूजा कहते हैं। जो प्रकृति का प्रकोप हमारे ऊपर ना हो, जैसे आपका लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक होता है, ये सब ना हो हमारे लेप्चा समाज के ऊपर, कोई किस्म का ऐसा दुख बीमार आपत वगैरह न हो, इसी के चलते हम एक सांसारिक पूजा हम करते हैं। Huh.